यार ये पापा ने जो है ना धागा वगैरह बांध दिया था, यानी कि लाइन सीधी कर दी थी। ठीक है, तो ये बेस तैयार हो के जो केजीज है ना, ये नीचे फ्रेम ये इनके ऊपर आएंगे ताकि पानी की मार्जिन को ना बच सके। ठीक है, तो एक फ्रेम हमारा इसके ऊपर आ जाएगा। पानी हमने भर लिया टैंकी से। ठीक है, तो सीमेंट भी मैं ले आया हूँ, रेत हमारी ये पड़ी हुई है। ठीक है, काफ़ी गंदा छत पे, तो इंशाल्लाह जो है ना एक दफ़ा इसको हम ना गंद को सारा ख़त्म करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो यार आज के व्लॉग में ये हम काम कर रहे हैं। ठीक है, मसाला वगैरह बना के ना मोटा मोटा इसके ऊपर डाल देते हैं ताकि दोबारा हमें प्लस्तर की तरह ना करना पड़े। ठीक है, तो टाइम नहीं ज़्यादा वेस्ट कर इस काम को मुकम्मल करते हैं। मुकम्मल करके फिर इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ साथ साथ। पहले बार हम मसाला बनाएंगे, तो ये मसाला है। ठीक है, इस पर हम मसाला वगैरह बना लेते हैं। ठीक है, इस पर हम मसाला बना लें तांबे में, तो मसाला बना के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये मसाला हमारा रेडी हो चुका है। ठीक है, खुद ही इतना पतला बनाया है। ठीक है, ताकि जो है ना ये चीज़ सलाखों के अंदर जा सके। ये तो बाद में थोड़ा हैवी सा मसाला बना के ना मोटा सा इसको प्लेन करेंगे उसके साथ। ठीक है, पहले इसको हम सारा डाल लेते हैं इस तरह से। गैस के साथ ही प्लेन हो जाएगा तो अच्छी बात है, हमारा और मसाला ज़ाया नहीं होगा। ठीक हो गया, ये चीज़ माशाल्लाह आपका भाई खुद ही काम शाम कर लेता है। ठीक है, तो यार अब ये जो है ना मैं आपको मसाला सारा डाल के ये लाइन में जो है ये सारा मसाला वगैरह डाल के तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास अभी फ़िलहाल मोबाइल स्टैंड नहीं है, तो जिसकी वजह से जो है ना मैं मोबाइल स्टैंड नहीं कर पा रहा, तो ये सारा मसाला डाल लूँ अच्छी तरह से, फिर मैं आपको इसका जो है ना दिखाता हूँ। मैंने इस पर मसाला डाल दिया है, इस पर भी डाल दिया मसाला सारा। ठीक है, अभी साइडों पर मसाला डालना। ठीक है, ताकि ये कवर हो जाए सारा, प्लस्तर करना, ये चीज़ें प्लस्तर करनी है अंदर से भी बाहर से भी। ऊपर मसाला सारा डाल दिया। ठीक है, अब इसको प्लस्तर करते हैं मसाला नया बना के। ये देखें, ये मसाला जी हमारा लग गया, गत्ते के साथ लगा रहे हैं, ये बिल्कुल क्लीन। ठीक है, बाहर से भी इसी तरह करना है मसाला, फिर दोबारा नया बनाते हैं। तो फिर अब ये मुकम्मल करके अंदर से भी और ये बाहर से भी ये तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, वाइट से भी हो गया, वो एक साइड वाइट की रह गई है, वो अंदर से भी माशाल्लाह बहुत ही यानी कि ना हो गया। तो बस ये ऊपर वाली चीज़ रह गई, सीमेंट हमारे पास हो गया ख़त्म। ठीक है, थोड़ा सा पड़ा है तो अब कल सीमेंट लेके आएंगे, तो सीमेंट ला के इसको भी सारा बंद करेंगे, मिट्टी मुट्टी डाल के सीमेंट डाल के, और इसके ऊपर भी प्लेन करेंगे। बाकी साइडें वगैरह इसकी ओके हो गई हैं, केज हमारा रेड गया, तो ये चीज़ ओके करके तो वो केजिस को हम जोड़ेंगे पेजिस के साथ। ये मैं सुराख करवाए हैं। ठीक है, फिर जिसके साथ जोड़ के उस फ्रेम के इसके ऊपर हम जो है ना स्टैंड करेंगे, खड़ा करेंगे, फिर हमारी आएगी छत की बारी। छत भी देखेंगे इंशाल्लाह किस चीज़ की डालनी है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। ठीक है, तो अब यार हम थोड़ा रेस्ट कर लें, नहा लें, पसीना आया हुआ बहुत, स्मेल आ रही है कपड़ों से, हाल देखें आपके सामने है। तो सीमेंट भी हमारा ख़त्म हो गया है, तो कल सीमेंट ला के ये काम कम्प्लीट करके तो ये फ्रेम खुशक होने देंगे। खुशक होने के बाद फ्रेम अपने जो है ना इसके ऊपर हम जोड़ देंगे, और सुराख जो है दीवार पर करके दीवार पर सुराख करेंगे, तो उसके साथ इसको ना जोड़ देंगे ताकि फ्रेम गिरे ना। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जो है ना सारी आपको डिटेल भी बताऊंगा किस तरह ये बनाया है, क्या खर्चा वगैरह आया। ठीक है, तो फिलहाल हमारा जो मेन काम है वो ये था, ये हमारा फिलहाल थोड़ा मुकम्मल हो गया, बाकी रह गया वो भी कर लेंगे। तो इंशाल्लाह सीमेंट ला के फिर इस काम को हम शुरू करेंगे। ठीक है, सीमेंट आपको भाई नया ले आया है। ठीक है, नया सीमेंट आ गया, तो अब यहाँ पे जो ये हिस्सा रह गया था हमारा, ये भी हम कवर कर लेते हैं। फिर इसके ऊपर भी हल्का हल्का मसाला डालना, तो भी मसाला डालना तो वो हमारी पड़ गया, वो पड़ा हुआ है तांबिया। तांबिया जो है, चलो मसाला बना लें। ठीक है, मसाला बना के तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये मिट्टी थोड़ी सी रहेगी हमारी, हो गया ये काम भी हमारा कम्प्लीट हो गया। ठीक है, बाकी जो ऊपर थोड़ा बहुत आपको नज़र आ रहा है ना, दिखाता हूँ, ये ऊपर थोड़ा और मसाला डलेगा ना, सब सेट हो जाएगा। ठीक है, अंदर से भी आपको नज़र आ रहा होगा वो साड़ी। ठीक है, ये हमारी बेस तैयार हो गई, उधर सीमेंट डालना तो इसके ऊपर सीमेंट डालना है। सीमेंट ख़त्म हो गया तो सीमेंट दोबारा बना लेते हैं, तो इसके ऊपर भी डाल देते हैं और इधर भी मसाला डाल देते हैं। ठीक है, अब ये मसाला वगैरह डाल के फिर आपको मैं दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा काम कम्प्लीट हो गया, अब सुबह जो है ना इंशाल्लाह ये फ्रेम वगैरह जोड़ के इसके ऊपर सेट करेंगे,
तो फ्रेम यहाँ पे सेट करें, उसके बाद छत की बारी आ जाएगी, वो भी देखेंगे क्या करना है। ये हमारा काम हो गया जी मुकम्मल। तो यार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दें, ठीक है। काम हमारा बेस इसकी मुकम्मल हो गया है, फुल रेडी जो है ना, फुल रेडी मास्टर के एक दो दिन में बन जाएगा इंशाल्लाह। हो सकता तीन दिन भी लग जाएंगे, क्योंकि छत भी डालनी है अभी, वो भी सोचना वो किसकी डालें, वो जो शटर टाइप होते हैं उसकी डालें, फाइबर की डालें, बांसों की डालें, जो मुनासिब रहेगी हमारी जेब के हिसाब से और अच्छी भी रहेगी, ताकि कल को बारिश शादी वगैरह से वो ख़राब ना हो जाए, फिर हमारे परिंदों को कोई नुकसान ना पहुँचे, ठीक है। तो वो भी डिसाइड करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी किया करें, ठीक हो गया। तो अपने अपने प्यार का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।